अधिकारियों ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित डीआरएफ इलाकों का दौरा किया, साथ ही दर्जनों बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान सांसद विजय हांसदा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरी तरह अलर्ट होकर लोगों की समस्याओं का निपटारा करें। लगातार जो रिपोर्ट भी है, पूरा जो नेशनल सर्वे चल रहा है कि बाढ़ का स्थिति हमारे यहाँ डेंजर लेवल से ऊपर जा चुका है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। और पिछले कुछ गत वर्षों में ये अभी इस बार का बाढ़ में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा और बहुत तेज से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन दुरुस्त है और राशन के साथ आपका जाकर के शेल्टर होम्स के साथ गाय और जो भी मतलब मवेशी है उनके लिए चारा का व्यवस्था करने के साथ पूरे अलर्ट में सारा प्रशासन काम कर रही है। आज दो आपके सेक्रेटरी महोदय भी पूरे इस बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी पूरा सर्वेक्षण करके जाएंगे और साथ ही साथ कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पूरा तरह से दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन में हम कह सकते हैं डीसी साहब, एसडीओ साहब और तमाम जितने पदाधिकारी सब लोग कार्य में लगे हुए हैं और किसी भी तरह की कमी सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी, हम लोग तैनात हैं जनता की मदद के लिए। सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नौहटा था।